Assalamualaikum and good morning. DJ Traveler is here once again. हमने अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर दी है, 5 बज रहे हैं सुबह के, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझे सेंड किए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें टेकलाइन टीवी ने एक कमेंट किया है, स्टार्ट में हम इसी पे बात करते हैं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है पर बीच में इंग्लिश मार के वीडियो की ऐसी तैसी कर देते हैं आप। सो टेकलाइन टीवी, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए एंड सजेशन देने के लिए। मैंने फॉरेन में स्टडी की है, कुछ वहाँ के फ्रेंड्स हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती, और मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि ओमान आने से पहले मैं पाकिस्तान में एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था जो एक US बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो उसमें जो कुलीग्स हैं या उस टाइम थे जो अभी भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि काइंडली जब आप वीडियो बनाया करें तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में बताया करें, हमें एटलीस्ट आइडिया होगा कि ये वीडियो जो है ये किस बारे में है। तो उसकी वजह से मैं जो है थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी उर्दू मिला के वीडियो बनाता था। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो आई एम सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, एंड थैंक यू अगेन फॉर सजेस्टिंग मी। अब हमें ऑर्डर आ चुका है, हम साथ में नाश्ता कर रहे हैं, कॉफ़ी केक, और चलिए ऑर्डर उठाते हैं तो जो जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उसका जवाब भी देते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, तो हमने अपना ऑर्डर ड्रॉप ऑफ कर दिया है, जो मस्जिद में आपको दिखा रहा था उसी के अंदर मौलाना साहब थे, उनका ऑर्डर था। अब पढ़ते हैं अपना दूसरा कमेंट। फैसल भट्टी साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि डीजे भाईजान एक सवाल पूछना था, जवाब ज़रूर देना प्लीज़। क्या तलबात में बंदा सारे एक्सपेंसेस निकाल के 150 से 200 तक कमा सकता है या नहीं, गाड़ी रेंट पे लेकर, प्लीज़ बताना भाई। अच्छा, तो फैसल भाई बात यह है कि अगर हर बंदा आपको यही कह रहा होगा, अगर आप वीडियोस भी देखेंगे, अगर आप 10 से 12 घंटे काम करेंगे तो आपकी अच्छी सैलरी बनती है, आपके ये सारे एक्सपेंसेस निकलते हैं, जो कि झूठ नहीं है, सच बात है। लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी आईडी का बैच नंबर कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको नई आईडी मिलती है तो वो 3 वीक्स तक आपके बैच 1 में चल रही होती है। अगर आपका ऑर्डर भी मिस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका बैच नहीं गिरता। फिर 3 हफ्ते बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर तलबात आपके लिए बैच सेलेक्ट करती है, वो 2 हो 3 हो 4 हो, वो कोई भी हो सकता है। तो अगर आपका बैच 1 और 2 है तो आपको अच्छी शिफ्टें उठाने का मौका मिलता है। तो जो बैच 1 जिनका होता है वो सुबह 7 बजे अपनी शिफ्ट उठा लेते हैं, फिर 3 बजे बुध को ही बैच 2 वाले अपनी शिफ्ट उठाते हैं। तो जो शिफ्ट बैच 1 से रह गई थी वो बैच 2 वाले उठा लेते हैं। जब 3 तक आती है ना, 3 वाले जो है बुध को रात 8 बजे उनकी शिफ्ट दिखाई देती है उनको, तो उन बेचारों के पास कुछ नहीं बचता, 1 या 2, मतलब 2 तो बहुत ही मुश्किल है, मोस्टली 1 ही शिफ्ट मिलती है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि मतलब कोई भी बंदा आके कहे कि मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ तो उसको 12 घंटे की शिफ्टें मिलेंगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपकी आईडी का बैच जो है वो 1 या 2 पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो बैच है ये हर वीक चेंज होता है, मतलब जैसे ही मंडे स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक उस दिन से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। तो अगर आपका पिछला बैच ख़राब भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप नेक्स्ट वीक का बैच जो है वो अच्छा करके आप अपने लिए शिफ्टें उठा सकते हो। अच्छा जी, अब एक और कमेंट पढ़ते हैं, ये है B2 टेक, वो कह रहे हैं कि ओमान में तलबात की न्यू आईडीज कितनी देर में मिल जाती हैं। यार इसका आंसर करना बहुत मुश्किल है, कोई भी इसका आंसर आपको नहीं दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि आप तलबात से डायरेक्टली आईडी नहीं लेते, वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ जिनके थ्रू आपकी आईडी निकलती है। सिर्फ ओमानी जो है वो डायरेक्ट तलबात से आईडी ले सकते हैं, बाकी जो है आपको वो सब कॉन्ट्रैक्टर जितनी भी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल माजून, KB, HS, एस्ट्रो,
ये बाय द वे वो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ, तो ये कंपनियाँ जो है वो आपको आईडी देती है। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो कंपनी में, तो फिर वो तलबात में सेंड करते हैं, और फिर तलबात की मर्जी है, महीने बाद भी नहीं कर सकती, हफ्ते बाद भी, ये मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। मेरी अपनी खुद की आईडी, आई डोंट नो मैंने इसका जिक्र किया या नहीं, मुझे 4 महीने लगे थे आईडी लेने में अपने नाम की। कल रात, आज फ्राइडे है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल रात को मुझे सुपरवाइजर का मैसेज आया, जिन दोस्तों के मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे उनमें से एक बंदे की आईडी निकली है, तो इट मींस कि आईडी निकलना शुरू हो चुकी है, लेकिन कम से कम उसमें 2 महीने लग गए हैं, एटलीस्ट आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2 महीने पहले मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे और अब आईडी निकलनी शुरू हुई है। तो सर ये आपको कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, अगर कोई बता रहा है तो या तो वो खुद तलबात में काम कर रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, इसके अलावा आपको कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आईडी निकलने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, आप शुएब अख्तर भाई पूछ रहे हैं कि भाई आजाद वीजे पर आकर खारिजी लोग तलबात का डिलीवरी का काम कर सकते हैं या सिर्फ ओमानी कर सकते हैं, काइंडली आंसर। तो शुएब अख्तर भाई, बात यह है कि खारिजी फॉरनर भी कर सकते हैं और ओमानी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि फॉरनर्स के लिए अलाव नहीं है, कर सकते हैं सर। मलिक रेहान साहब पूछ रहे हैं, मलिक रेहान अवान, कि भाई आपकी कौन सी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में जॉब करनी हो तो मिल सकती है? तो मलिक रेहान भाई, मैं HS एस्ट्रो कंपनी है उसमें काम करता हूँ, और हाँ बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा यार, अब ये जो दो कमेंट है ना, मैं इसको मिला के इसका जवाब देना चाहूंगा। पहला कमेंट है अब्दुल वाहिद खान, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, लेबर वीजा पर डिलीवरी का काम हो सकता है, और लेबर वीजा या सबसे सस्ता वीजा कितने में मिलेगा? तो अब्दुल वाहिद खान, हाँ भाई वालेकुम सलाम, बिल्कुल आप लेबर वीजे पे ये काम कर सकते हो, बशर्ते कि आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको परमिशन दे, अगर वो आपको परमिशन नहीं देता फिर आप नहीं कर सकते। और सबसे सस्ता लेबर वीज़ा जो है वो 500 से लेकर 600 रियाल के बीच में आपको मिल जाता है, इससे ज़्यादा महंगा मत लीजिएगा। अब ये दूसरा कमेंट है, मैंने जानबूझ के नाम छुपाया इनका, तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप वर्क वीज़ा पे ये डिलीवरी की जॉब कर रहे हो? हाँ जी, मैं वर्क वीज़ा पे कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू कम ओवर बिजनेस वीज़ा बट आई हैव वेरी लो बजट, सो क्या मैं इस वीज़े पे ड्राइविंग लाइसेंस बना के डिलीवरी जॉब कर सकता हूँ, एज आई एम ड्राइवर बाय प्रोफेशन इन पाकिस्तान, प्लीज़ गाइड मी, थैंक्स। तो हाँ सर बिल्कुल, अगर आपके पास बिजनेस वीज़ा है तो भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। और मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस वीज़ा लिया है तो काइंडली पहले आप यहाँ आके देखें, बिजनेस देखें, कंट्री देखें, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे नहीं कि मतलब आप किसी की बातों में आ जाएं, क्योंकि सब बाग दिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं सर, नो इशू। अच्छा यार, हमें एक क्वेश्चन पूछा है काशिफ शकूर भाई ने, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, पॉसिबल हो तो अर्निंग्स भी शेयर कर दिया करें, मोटिवेशन मिलेगी लड़कों को। तो हाँ ज़रूर, मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, देख लीजिए। इसमें है कि संडे 22 सितंबर 21 डिलीवरीज हुई हैं और उसके कुछ 17 रियाल 500 समथिंग बने, फिर सैटरडे को 20 डिलीवरियाँ हुई हैं और कुछ 15 रियाल समथिंग, फ्राइडे को 19 डिलीवरियाँ और उसके सामने पैसे भी ओमानी रियाल लिखे हुए, थर्सडे को 19 सितंबर 26 डिलीवरीज 18.5, और इसी तरह आप नीचे भी देखें तो 18 सितंबर को 20 डिलीवरियों के 16 रियाल 300, और ट्यूसडे को 13 डिलीवरियाँ 9 रियाल 200 समथिंग, हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो ये है अर्निंग्स जो मैंने आपसे शेयर की। और अच्छा, अब लास्ट कमेंट जो है वो शेयर करते हैं मिस्टर किंग, वो कह रहे हैं नासिर भाई थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि काम किस एरिया में ज्यादा है, मींस होटल्स किस एरिया में ज्यादा है जहां पर 98% चांसेस हैं ऑर्डर लगने के, आई मीन एक अच्छे ऑर्डर लगने के।
तो मिस्टर किंग यार, जानी ये हर जोन पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब किस जोन के बारे में बात कर रहे हो वो तो मैं नहीं बता सकता। मैं खुद जिस जोन में काम करता हूँ उसका तो मुझे पता है, उसका मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो तलबात मार्ड है हेल में, या जो सिटी सेंटर है, इसके अलावा अलखोद 6 में जो है वो जो टी टैम मैकडोनल्ड्स और हार्डीज जितने भी हैं वो जगह है, वहाँ पे ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। अब किसी और एरिया में तो उसका तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है ये जोन पे डिपेंड करता है। अब मुझे किसी और जोन का पता नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि इस ऐप में, तलबात के ऐप में एक फैसिलिटी दी हुई है कि जब आप काम कर रहे हैं तो जहाँ पे वो रेड मार्क्स होते हैं काम के दौरान, आपको वहाँ पे रेड डॉट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पे भी वो रेड मार्क्स दिखाई देते हैं आप काइंडली उधर जाया करें और आपको वहाँ ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। वो डोनट्स वाली स्टोरी तो आपको पता चल गई होगी ना, बाकी तो आप खुद समझदार हो। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा काइंडली सब्सक्राइब कीजिए द चैनल, एंड इन केस अगर अभी भी कुछ कमी है आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।